नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है ये जो एग्जिट पोल आए हैं हमारे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर, इसको लेकर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है हमारे देश में। आप लोग भी चर्चा कर रहे होंगे कि किस चैनल का एग्जिट पोल सही है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है, उसी पे बात करते हैं। कई चैनल तो अपने एग्जिट पोल दिखाकर खुद पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। कई चैनल पर तो तीन तीन बार आंकड़े बदले गए हैं, पहले कुछ और, इसके बाद कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और कई राज्यों में सीटें कम हैं, उससे ज्यादा सीटें दिखाई जा रही हैं किसी पार्टी के फेवर में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सही हैं ये एग्जिट पोल। और ज्यादातर चैनल्स पर क्या कुछ दिखाया जा रहा है, कितना आंकड़ा दिखाया जा रहा है, और उन चैनल्स पर दिन रात क्या चलता है, ये आप लोग जानते होंगे। कितने भरोसेमंद हैं वो चैनल, ये भी आप जानते होंगे। और ऐसा लगता है कि होड़ मची हुई है चैनल के बीच में कि कौन ज्यादा सीटें दिखाएगा, शायद ज्यादा सीटें दिखाने पर कोई इनाम मिलेगा, ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं, एक चैनल की बात करते हैं जिसने तीन तीन बार आंकड़े बदल दिए हैं। पहले तो ये फिगर देखिए, हरियाणा की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमें। हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन ये चैनल क्या दिखा रहा है, 16 से 19 सीटें किसी एक पार्टी को दे रहा है। पहले 16 से 19 सीटें, भाई इतनी कहां से आ गई, 10 सीटें कुल हैं और आप किसी को 16 से 19 सीटें दे रहे हैं। उसके बाद देखिए पहले क्या फिगर दिखाया जाता है, पहले एनडीए के फेवर में 7 से 9 सीटें दिखाई जाती हैं, 7 से 9 सीटें, और उसके बाद आंकड़ा बदल जाता है, फिर 3 से 5 सीटें दिखाई जाती हैं। तो इसको आप देखिए, यही से अंदाजा आपका लग जाएगा कि कितने सही है ये एग्जिट पोल। कि हरियाणा को लेकर ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तीन तीन बार आंकड़े बदल दिए गए हैं और एक आंकड़े में तो इतनी ज्यादा सीटें दिखा दी गई हैं, इतनी तो है ही नहीं हरियाणा में। वहीं हिमाचल का भी देख लीजिए, टोटल 4 सीटें हैं लेकिन किसी पार्टी के खाते में 6 से 8 सीटें दिखाई जा रही हैं। कमाल है, 4 सीटें हैं, कहां से 6-8 सीटें होंगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में और कितना भरोसा किया जा सकता है इस एग्जिट पोल पर। यानी ज्यादातर चैनल्स हमारे देश में एनडीए के खाते में ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं और कुछ लिटिल बिट थोड़े बहुत हैं भी इक्का दुक्का, जैसे दैनिक भास्कर है। अब दैनिक भास्कर का यह सर्वे देखिए, दैनिक भास्कर आपको बताया है उनका जो अखबार है वो कई राज्यों में नंबर 1 पर है, अच्छी खासी सर्कुलेशन उनकी है, लेकिन उनका जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। आप उनके एग्जिट पोल को देखिए कि वो क्या आंकड़े दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर एनडीए के खाते में 207 से 241 सीट दिखा रहा है, 207 से 241, और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 255 से 290 सीट दिखाई जा रही है। अब बताओ किस पर यकीन करेंगे, ज्यादातर चैनल्स तो एनडीए के खाते में ज्यादा सीटें दे रहे हैं और इक्का दुक्का जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में ज्यादा सीटें दे रहे हैं। चलिए इस पर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए थोड़ा, फिर केजरीवाल की बात करते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से, सरकार बन रही है सर? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने, 295। तो सुना आपने राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, ये जो ज्यादातर चैनल्स पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला। अब केजरीवाल भी जेल जाने से पहले कुछ बोल कर गए हैं, एक तो एग्जिट पोल को लेकर, दूसरा ईवीएम को लेकर भी वो कुछ बोले हैं। मोटा मोटा सुन लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको
गिनती से तीन दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। तो सुना आपने राहुल गांधी एग्जिट पोल के बारे में क्या बोले हैं, और अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर क्या कुछ बोलकर गए हैं। वहीं विपक्ष को एक और गड़बड़ी की आशंका लग रही है। क्या गड़बड़ी? और विपक्ष के कई नेता इस बाबत इलेक्शन कमीशन से मिले भी हैं और उन्होंने क्या डिमांड की है, सुन लीजिए थोड़ा। आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता कानून में। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। तो सुना आपने, उनका कहना है कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पहले होनी चाहिए, यानी ईवीएम के नतीजे से पहले पोस्टल बैलेट पेपर का नतीजा जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। अगर बाद में होता है तो उसमें गड़बड़ी की आशंका होती है, जहां कहीं भी टफ कंपटीशन होता है। और उनका कहना है कि उन्होंने देखे हैं नतीजे कि कैसे पलट गए हैं कई जगह पर, इसलिए ये प्रावधान भी है और ऐसा होना चाहिए। सो दोस्तों, अब कुछ घंटे बाकी हैं, गिनती शुरू हो जाएगी यानी 4 जून को, और दोपहर तक पता चल जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनती है। क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन ये जो एग्जिट पोल हैं आप देख रहे होंगे अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग एजेंसियों के, उसके बारे में आपकी राय भी क्या है, क्योंकि इससे पहले कई बार एग्जिट पोल जो है वो फेल हो चुके हैं और अलग अलग तरह के एग्जिट पोल आपके सामने आते हैं। हमने भी आपको बताया किस तरीके से आंकड़े जो हैं कि सीटें कम हैं लेकिन ज्यादा दिखा दी जाती हैं कई बार, और क्या कुछ है वो आपने देखा। सो आप इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करते हैं, एक तो ये बताइएगा, और बाकी आपको क्या लगता है, यानी आपका मन क्या कुछ बोल रहा है कि एनडीए के खाते में पूरे देश में कितनी सीटें आ सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं, कौन सरकार बना सकता है, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपको क्या कुछ लग रहा है जो एग्जिट पोल आपके सामने आ रहे हैं। तो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप अपनी राय
दे सकते हैं दोस्तों, और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए कल हम आपको पूरी गिनती का ब्यौरा दिखाएंगे सुबह से लेकर, और पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को यानी द मसला को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।